हेलो दोस्तों, आज आप लोग के लिए ये सब रिपेयर मार्केट से आया है। अच्छा, ये रिपेयर हम लोग सीखेंगे। जो एलईडी लाइट का जो इमरजेंसी ये है, ये टेबल स्टैंड है, ठीक है, ये सब रिपेयर के लिए आया है। आज इस टेबल स्टैंड हम लोग सीखेंगे, क्योंकि इसका देखिए आप रोशनी बहुत कम, क्योंकि इसका बैटरी का ही प्रॉब्लम दिखा रहा है। मैं इसको एक बार चेक किया था, बैटरी इसका बार बार डाउन हो रहा है, क्योंकि जितना बार उठा रहा हूँ चार्ज देखे उतना बड़ी और डाउन हो जा रहा था। इसका बैटरी का प्रॉब्लम है, हम लोग चेक करेंगे कैसे इसको खोल के चेक करते हैं। तो आप लोग देखिए, तो इसको ऐसे खुला जाता है, इसका पीछे वाला है, इधर स्क्रू रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो है ये पीछे वाला से खोलते हैं, तो हम लोग अभी इसको खोलेंगे। मैं ऑलरेडी इसको खोल के एक बार चेक किया था, बैटरी प्रॉब्लम था, तो मैं सोचा है इसका वीडियो ही बना लूँ एक, तो दोस्त के लिए सब हेल्प हो जाएगा। अभी देखिए इसका सब कुछ ओके है, सब मैं चेक किया हूँ। फिर इसका जो बैटरी है, ये वाला बैटरी इसका वर्क नहीं कर रहा है ठीक तरह से। इसको बैटरी को चेक करने के लिए कैसे चाहिए, अब वोल्टेज पे लेके जाओ, 20 पे रखो, और इसको एक इधर एक इधर, तो मीटर पे देखोगे 3.53 है। तो ये मिनिमम आपको बैटरी का चाहिए 3.7 से ज़्यादा, मतलब 3.8 होगा तो पक्का आपका बैटरी ठीक है। तो मैं कल इसको चार्ज देखा था, लेकिन ये बैटरी ऑटोमेटिक डाउन हो रहा है, तो इसको मैं और नया बैटरी चेंज कर दे रहा हूँ। तो हम लोग के पास बैटरी है अवेलेबल। अभी ये सेल से मार्केट पे ये सेल नहीं चलता है, क्योंकि ये जो सेल है, ये सेल से अच्छा सेल है अभी ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना हाई हो रहा है उतना अच्छा अच्छा माइक्रो में अच्छा प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। तो ये सेल है आपका 2000 mAh करके, मैं दो लगा दूंगा तो इसका आराम से काम बन जाएगा। इसके लिए मुझे पहले इसको एक चेक कर लेना है जो इसका कितना है, क्योंकि हर चीज चेक करने से तो आपको जल्दी हो जाएगा। देखो ये 3.82 है, एकदम परफेक्ट बैटरी है, बैटरी इतना ही रहना चाहिए, 3.8 इसका ऊपर ही रहना चाहिए, मिनिमम 3.8 ही रहना चाहिए, तब जाके बैटरी एकदम ओके रहता है। तो ये जानकारी सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बैटरी जितना कम पावर रहेगा उतना जल्दी खराब हो जाएगा। तो अभी क्या है, हम लोग घस लिए, अभी इस तरफ भी सेल कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ क्यों करते हैं, शॉर्ट में आपको जल्दी आराम से इजी हो जाता है। तो मैं पहले इसको एक बार घस के हल्का से, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि ये बैटरी अगर ज़्यादा अंदर चला जाए तो इसका जो लेयर होता है वो बास्ट हो जाएगा, तो इसको हल्का से घसना है। जाते आप जो सोल्डिंग करोगे वो आराम से बैठ जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्डिंग कर देंगे। और इसमें ज्यादा सोल्डिंग, इसमें जो सोल्डिंग कर रहा हूं मैं, इसमें ज्यादा टाइम सोल्डिंग मत करना, क्योंकि ये जब ज्यादा टाइम पे ऐसे लगा के रखोगे, बहुत आदमी देखा हो ऐसे लगा के रखते हैं, तो इसमें दो चीज होता है, एक होता है आपका सेल तो हीटिंग से खराब हो जाता है, क्योंकि इसका जो सेल पे जो पावर रहता है वो आपका ठीक तरह से नहीं रह पाता है, तो धीरे धीरे वो पावर खत्म होते जाता है। और सेकेंड बात क्या है, सेकेंड आपका ब्लास्ट भी हो सकता है, क्योंकि माइनस प्लस अगर इसका ये आ जाए तो इसका खराब भी हो सकता है, इसलिए इसको जस्ट इसको पेस्ट लेना है, पेस्ट इजी से बैठ जाता है, इसलिए पेस्ट यूज करते हैं हम लोग,
तो इसको जस्ट ऐसे टच करने में, एक बार टच कर दोगे देखो कितना आराम से बैठ गया, एकदम नीट एंड क्लीन, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी उठेगा भी नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से बैठा हुआ है। अभी इसको क्या करेंगे, इसका माइनस और प्लस एक बार चेक कर लेंगे। मैं, मेरे को पता है माइनस प्लस कौन सा है, आप लोग के लिए मैं चेक कर देता हूँ, क्योंकि माइनस प्लस अगर उल्टा हो जाए तो उसमें दिक्कत हो जाता है बाद में, तो इसलिए हम लोग पहले चेक करके ही कुछ कर्म करना है तो पूरा चेक करके करना है। अभी देखो मैं प्लस ए है रेड वाला, ये माइनस है, अभी मैं इसको इसको इधर लगाऊंगा तो देखो उधर देखो माइनस शो कर रहा है, तो मतलब ये वाला माइनस ही है। अगर इसको घुमा के शो करेंगे तो प्लस ही शो करेगा, माइनस नहीं शो करेगा, कुछ शो ही नहीं कर रहा है, मतलब ये प्लस है, ठीक है। तो रेड वाला जब प्लस है, माइनस माइनस पे प्लस प्लस पे टच करेंगे देखो माइनस उधर शो करेगा, ब्लिम कर रहा है एक माइनस, ठीक है, ए माइनस शो कर रहा है, मतलब ए साइड माइनस है। अब क्या करना है, मुझे माइनस पे माइनस सोल्डिंग कर देना है, बहुत इजी है, काम कुछ नहीं है इसका, सिर्फ धीस धीस से देख देख के काम करोगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा, हर काम सीख सकते हो, ठीक है। और कुछ चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी है, हम लोग होलसेल मार्केट भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं, हर तरह का बिजनेस करते हैं, कुछ भी आइडिया चाहिए तो हम लोग से पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखो जस्ट टच कर देना है, एकदम टच कर दोगे तो ये आराम से बैठ जाएगा, इसको हर टाइम ना पेस्ट लगा के टच करना है। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट आपको इजी से गल जाता है तो इजी ये लग जाएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बाद में। अभी देखो ये इजी लग गया एकदम, इसको लगाने के बाद करके लगा दूंगा। इसको थोड़ा और काट लो, थोड़ा हल्का पेस्ट लगा लो। अभी देखो इसको ऐसे टच करा और इसको ऐसे दबाए, आराम से बैठ जाएगा, इसको दिक्कत ही नहीं है। आप देखो दोस्तों इसका रोशनी आप खुद ही देखो, तब का रोशनी था और अभी का रोशनी आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसका रोशनी देखो, तब ये बैटरी पे जो रोशनी था आपका वो बैटरी के लिए ही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक करके देखे जो सेल प्रॉब्लम है, इसलिए सिर्फ सेल चेंज कर दी है। अब ये सेल के लिए आपका पूरा प्रोडक्ट जो है आपका पूरा नया हो गया, क्योंकि ये बहुत बंदा क्या होता है, इसको फेंक के रख देते, जानते नहीं उसको तरीका नहीं है, इसलिए उन लोग जान नहीं पाते बोल के वो लोग ऐसे करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको चेक करके हम लोग देखे सिर्फ सेल प्रॉब्लम है, एक सेल का बाजार में आपको 30-40 अगर अच्छा वाला लिया तो 50-60-90 में हो जाता है। अब 90 रुपये के लिए आपका 200-250-300 रुपया में खरीदते बहुत आदमी, तो फेंक देना, तो उससे अच्छा है एक सेल चेंज करके आराम से आप कर सकते हो। इसलिए आप लोग को इजी टेक्निकल लाइफ में आप लोग को इजी सिखाए जो कैसे काम आप इजी से कर सकते हो। अब कुछ नहीं है, इसको ऐसे लगा के इसको ऐसे इसको इसका जैसे फिटिंग था इसको ऐसे फिटिंग करके अब जो सेल है आप सेल में इधर टेप लगा दीजिएगा, टेप लगा दीजिएगा। मैं टेम्पोररी दिखा रहा हूँ, आप अच्छा से काम कीजिए, क्योंकि मैं अभी पूरा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें और 2 बैटरी लगेगा, ठीक है, तब जाके वो और भी रोशनी देगा, क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट किया बैटरी थोड़ा ज्यादा लगा के वह अच्छा वाला बैटरी लगाने। आप लोग को टेक्निकल सिर्फ सिखाने के लिए मैं टेम्पोररी काम आपको तब भी फिनिशिंग दिखा दे रहा हूँ। ये डबल टेप है, ये डबल टेप अब क्या करना, इसको एक तरह से ऐसे उठ के इसको जस्ट इसको ऐसे रोलिंग करके इसको इधर चिपका देना, अब ये ना हिलेगा ना धुलेगा, अब पूरा एकदम फिटिंग हो गया, ठीक है, पूरा फिटिंग हो गया, मतलब एयर दिक्कत नहीं है, आराम से ये यूज कर सकते हो। आप छोटा छोटा काम करके भी आप बिजनेस कर सकते हो घर बैठे, क्योंकि आजकल सब इजी काम करते हैं, कोई कठिन की तरह काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम हम लोग के आजू बाजू में है, हम लोग इधर उधर ढूंढते हैं, थोड़ा सा काम सीख के घर बैठे ही आप आराम से कमा सकते हो महीने भर, आपका खुद का 10-20 हजार घर पे बैठ के ही कमा सकते हो।
अब एक कितना छोटा काम कितना जल्दी ये काम आप आराम से कर सकते हो घर पे, आपका खुद का घर का काम भी कर सकते हो। और जो दोस्त लोग बिजनेस भी करते हैं उन लोग के लिए भी है, उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग आराम से ये सब चीज घर बैठे ही बना के मार्केट में बेच सकते हैं। अभी देखो पूरा लाइट हम लोग का रेडी हो गया, अभी पूरा लाइट हम लोग का रेडी हो गया, पूरा ओके रेडी फिनिशिंग एकदम। अभी इसको चार्ज लगाना है तो आप चार्ज भी लगा सकते हो, ये है इसका चार्जर, आपको दिखा दे रहा हूं चार्ज में कैसे लगाते हैं। देखिए अभी वो चार्ज भी आपका हो रहा है, तो मतलब ये पूरा तरीके से एकदम रेडी बन गया आपका बैग, आपका टेबल स्टैंड लैंप आपका पूरा रेडी। अब थोड़ा सा एक बैटरी के लिए आपका इतना बड़ा चीज वेस्ट जाता, तो ये फेंक देने से अच्छा है। थोड़ा सा हम लोग इसलिए सिखाते हैं दोस्त लोग को, जो छोटा छोटा काम आराम से घर बैठे करके आप थोड़ा बहुत घर का भी हेल्प कर सकते हो, बाहर में भी कमा कर सकते हो। अभी ये पूरा रेडी हो गया, तो दोस्त लोग और भी चीज दिखा रहा हूं, ये हम लोग का और भी एक लाइट है, इसका भी आप करूंगा मैं बैठ के, ये भी है, ये भी वीडियो बना दूंगा आपको। हम लोग को तो नेक्स्ट माल चला गया, ये हम लोग का वेयर हाउस छोटा सा है, और भी है, हम लोग का मेन ब्रांच दिल्ली पे है, ये कलकत्ता वाला है, तो हम लोग धीरे धीरे और भी ग्रो कर रहे हैं। आप इंडिया में बैठ के किधर भी माल चाहिए आपको हर प्रोडक्ट हर तरीके से हम लोग से मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज चाहिए, रॉ मटेरियल्स का बिजनेस बोलो आप, बोलो आपका मतलब रेडी माल प्रोडक्ट, या आपको कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट, हम लोग हर तरह का बिजनेस करते हैं एक ही जगह बैठ के, क्योंकि हर आदमी इधर उधर बार बार ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाते हैं, तो हम लोग क्वालिटी बेसिक से काम करते हैं। क्योंकि ये जो एल्युमिनियम होता है बहुत आदमी नहीं जान पाते जो एल्युमिनियम किसको बोलते हैं, वो लोग स्टील को ही लोहा को जो आदमी डुप्लीकेट काम करते हैं वो लोग वही बना के मार्केट पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छा से पहले देखते हैं क्वालिटी कौन सा है, ओरिजिनल किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट किसको बोलते हैं, ठीक है। आप जापानी माल भी फर्क होता है, चाइना माल भी फर्क होता है, हम लोग सिर्फ फर्क को क्या होता है ना, एक आइटम बहुत तरह बनते हैं, अभी वो आइटम जो आदमी अच्छा से अच्छा जानता है वो आदमी सीख जाता है, जो ए वाला अच्छा है ओरिजिनल है और ये वाला डुप्लीकेट है, ठीक है। तो हम लोग यही चीज आप लोग को दिखाना चाहते हैं, जो काम करो तो क्वालिटी बेसिक का ही काम करना, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है, हम लोग का डीओबी देखना, ये डीओबी में आपका है, ठीक है, एकदम फिनिशिंग आपका, ये WLS का माल है आपका, और WLS का माल बहुत अच्छा चलता है मार्केट पे, कोई इसका कंप्लेंट बहुत ही मतलब 0% कंप्लेंट बोले तो, ठीक है। हम लोग हर तरह का प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि हर कस्टमर हर तरह का माल चाहते हैं, इसलिए हर क्वालिटी हम लोग देख देख के करते हैं। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, जो क्वालिटी कुछ भी चाहिए तो मेरे को कॉन्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट पे कर सकते हो। इसका थिकनेस देख लीजिए कितना मोटा थिकनेस है, यह हम लोग का कलर वाई है डबल कैपेसिटर में। डबल कैपेसिटर में तो बहुत आदमी बिजनेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डबल कैपेसिटर अभी मार्केट पे बहुत कम जगह में मिलता है, ठीक है। तो डबल कैपेसिटर में ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग के पास अब मिल जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो इसका फिनिशिंग कितना अच्छा है, इसका थिकनेस कितना मोटा है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी बेसिक के काम करोगे तो आपको कभी भी कोई भी माल पे दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोकल माल करोगे तो उसमें दिक्कत दिखता है, तो लोकल का भी आप लोग का बहुत वैरायटीज होता है, और हम लोग बहुत क्वालिटी मेंटेन करके आदमी लोग को बिजनेस करते हैं। लोकल में भी हम लोग को क्वालिटी ही मिलता है, कोई भी लोकल माल भी लाए तो, लोकल माल हम लोग बेसिकली नहीं लाते, जैसे ये वाला देखो ये क्वालिटी है, ये लोकल बोले तो हम लोग का लोकल ही बोलते हैं, तब भी ये क्वालिटी बेसिक होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, ठीक है। लोकल में भी अच्छा क्वालिटी, ये भी डिफ्यूजर का ए, आपका हाउसिंग का बात कर रहा हूँ, और आपका यही माल आपको ओरिजिनल पे दिखा रहा है,
जो हम लोग ओरिजिनल बेसिक पे बिजनेस करते हैं। देखिए इसका फिनिशिंग ये ओरिजिनल का है, एकदम प्योर ओरिजिनल प्रोडक्ट है। इसमें आप देख सकते हो इसका अलग ही, इसका मजबूती अलग है, इसका टेक्सोई बहुत है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तब ए और ये दोनों में फर्क आप खुद ही देख सकते हो। ये पूरा फिनिशिंग एकदम माने कलर ही अलग है, इसका क्वालिटी अलग है। और इसका आपको लोकल में जो हम लोग फास्ट वाला लोकल होता है, जो फास्ट क्वालिटी लोकल, वही माल उठाती है। ये ऑर्डर आता है तब, नहीं तो हम लोग के पास नहीं रखते ऑर्डर, सेम हम लोग माल उठाते हैं ये वाला प्रोडक्ट। और हम लोग सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट का ही बिजनेस करते हैं। हर प्रोडक्ट में हम लोग का ओरिजिनल ही मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट बोलो, कोई भी माल ले लीजिए आप, ठीक है। इसका डिफ्यूजर बोलो, इसका फिनिशिंग बोलो, इसका निकल कैप बोलो, इसका हाउसिंग बोलो, इसका टिक्की बोलो, कुछ भी बोलो, सब हम लोग क्वालिटी बेसिक ही काम करते हैं। हम लोग का एमके टेक्निकल दिल्ली पे ही है, मेन ब्रांच एमके टेक्निकल है, ठीक है। ये आपका संगति ब्रांड हम लोग खुद ही खोले हैं, क्योंकि संगति ब्रांड पे आप लोग को कुछ भी माल चाहिए तो एकदम नीट एंड क्लीन हम लोग ही खुद क्वालिटी बेसिक माल बना के खुद कस्टमर के पास हैंड ओवर करते, क्योंकि बहुत कस्टमर होता है जो खुद माल बना नहीं सकते है या बना नहीं पाते है या टाइम नहीं रहता, उन लोग क्या बोलते हैं रेडी माल मुझे दे दो, हम लोग रेडी माल पे ही बिजनेस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं उन लोग के लिए ऑर्डर पकड़ के रेडी खुद बना लेते हैं, बना के हम लोग खुद उन लोग को रेडी माल बना के भेज देते हैं। अब बहुत आदमी बोलते हैं रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स भी मिल जाता है। तो हम लोग को आप कुछ भी चाहिए आपको हर प्रोडक्ट क्वालिटी में ही मिलेगा, हर प्रोडक्ट का आपका रोशनी भी देख सकते हो, या आप उसका ऊपर वाला डिफ्यूजर फिनिशिंग हर चीज देख सकते हो। इसका अलग ही रोशनी अलग ही ये है, ये आपका 12 वाट का है ना 15 वाट का है, ये इसका रोशनी आपको दिखा दे रहा हूं, इसका आप रोशनी देख सकते हो, जबरदस्त सूरज की तरह रोशनी, एकदम रोशनी देख सकते हो आप, अलग ही ओरिजिनल पे आपको रोशनी जब भी देखोगे आपको पता चलेगा जो ओरिजिनल रोशनी अलग ही होता है। तो हम लोग हर चीज पे क्वालिटी बेसिक पे बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना सही, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर रहता है, आप खुद फोन कर सकते हो, ठीक है। इधर जेनुइन प्रोडक्ट मिलता है, जेनुइन आदमी है, सब कुछ जेनुइन काम होता है, कुछ भी नहीं। आप चाहे तो हम लोग का खुद का कंपनी में आके विजिट भी कर सकते हो और खुद आके माल देख के खुद पसंद करके भी ले सकते हो, या आप दूर में रहते हो तो आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करके व्हाट्सएप में, हम लोग का दिल्ली मेन ब्रांच है, दिल्ली से भी आप माल डायरेक्ट मंगा सकते हो, जो दिल्ली का प्राइस आपको उधर ही बैठ के मिल जाएगा, ठीक है। और आपको हर चीज, एक चीज देखना है जो कभी भी चीज देखोगे तो इसका अंदर का पार्ट्स देख के ही मेरे से लो या जिधर से ही लो, मैं बोलूंगा नहीं जो मेरे से ही मान लो, आप जिधर से भी मान लो, आप हर टाइम हर चीज का क्वालिटी बेसिक मेंटेन करना और पार्ट्स देख लेना अंदर का, जो उसका अंदर में पार्ट्स कितना क्वालिटी बेसिक मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत आदमी क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, अंदर में दूसरा रखते हैं और बाहर में दूसरा लगा के दे देते हैं। बहुत आदमी ड्राइवर में सब कुछ पता नहीं, जो इसका फ्यूज कितना अच्छा है, कैपेसिटर कितना चाहिए, ठीक है, एमओवी कितना ये पे चाहिए, तो इसका डैम कॉइल कितना चाहिए, इसका कॉइल कितना ये चाहिए, इसका आईसी कितना लेवल पे है, कौन सा क्या पार्ट्स होता है, उसका पूरा जानकारी नहीं रहता है बोल के उन लोग क्या करते हैं, जो दूसरा जो समझाता है वही माल ले लेते। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, कुछ भी लेना है पहले इसको अच्छे तरीके से आप समझो, पहले सीखो, फिर माल का बिजनेस करो, तो कभी भी आपको धोखा भी नहीं मिलेगा और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आज के लिए इतना, आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए, आप लोग देखते रहोगे और सब्सक्राइब भी कर देना। तो जो बंदा क्वालिटी बेसिक पे काम करना चाहता है तो मेरे से माल लेके बिजनेस कर सकते हैं। मैं बोलूंगा नहीं जो कुछ भी माल, मैं बोलूंगा जो आपका जो मन चाहे आप वही माल काम कर सकते हो। देखो ये हम लोग का 7-in-1 आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, डीओवी में,
लेकिन इसका क्वालिटी, इसका रोशनी आपको दिखा दे रहा हूं एक बार। इसका रोशनी आप देख लीजिए एक बार, कैसा इसका रोशनी आप एक बार देखिए, मतलब एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट की जैसे ही आपको हर कलर पे मिल जाएगा, हर चीज पे मिल जाएगा। देखिए उसका रोशनी देखिए, आपको कैमरा में थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन सामने से आप देखोगे तो पता चलेगा इसका रोशनी का। इसको जितना बार आप दबाओगे उतना बार आपको कलर चेंज होते ही जाएगा। इसका रोशनी आपको अलग ही मजा देगा, स्टैंडर्ड जैसे इसका रोशनी है, कोई भी ब्रांड से आप इसको कंपेयर करके बेच सकते हो मार्केट पे। तो हम लोग का क्वालिटी बेसिक ही माल होता है एवं होलसेल पे ही चलता है, जो दिल्ली प्राइस वही प्राइस आपको इधर बैठ के मिल जाए। मेरा संगोती LED बल्ब है उसका देख रहे हो वीडियो, और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, मेरा एड्रेस भी रहेगा और उसमें आपका प्राइस भी लिखा रहता है, और मैसेज भी कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके जान सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना, आगे वाले वीडियो पे मुलाकात होगा। बाय बाय।